और क्या क्या करेगी तो मेरे साथ एक दो बच्चे थे जिनको मेरे जैसे ट्यूशन लेने का मौका नहीं मिलता था या और कुछ काम करने का मौका नहीं मिलता था उनको एक दो लोगों को मैंने हेल्प करना चालू कर दिया तब सोचा कि लोगों कैसा बने ये मैं आपको 1991 की बात कह रहा हूँ लोगों कैसा बने तो ये लोगों मैंने तब डिज़ाइन किया ये लोगों जो है बीवीजी का बीवीपी का कि इंडिया का मैप निकाला मैप के पीछे सूरज डाल दिया कि देश की तरक्की चारों तरफ फैले और बीच में एक दिया निकाला कि मैं एक दिया जैसा काम करूं एक घर के लिए एक गांव के लिए कुछ अलग काम करके दिखाऊं और मुझे आज सही में खुशी हो रही है जो सपना 19, 20, 21 साल पहले मैंने देखा था 91 में ये प्रतिष्ठान की स्थापना करके कि कुछ अलग काम करूं वो आज पूरा हो गया बी जी का लगभग चौदह राज्य में काम चल रहा है और लगभग पैंतीस हजार लोग काम कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग कंप्लीट किया इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने टाटा मोटर्स में ग्रेजुएट ट्रेन इंजीनियर करके जॉब चाय कर दिया जॉब लेने के बाद ये दिखाएंगे थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ा सा पीछे दिख जाएगा कि क्या सोच थी मेरी ये मेरी सोच थी तो टाटा मोटर्स ज्वाइन किया गया ग्रेजुएट इंजीनियर और टाटा मोटर्स पुणे में टिपिकल है कि हमारे सातारा के लगभग साढ़े चार पांच हजार लोग काम करते हैं पंद्रह बीस हजार लोगों में और मोस्टली सब वर्कर है आईटीआई कराड़ आईटीआई पाटन आई टी आई ऐसे आई से वर्कर करके काम करते हैं तो उनके लिए इंजीनियर में था उनके लिए बड़ा साहब था क्योंकि वर्कर करके जो टाटा मोटर्स में ज्वाइन करता है लड़का उसको एम जो इंजीनियर पोस्ट होती है वो मैनेजमेंट की पहली सीढ़ी होती है उसके ऑपरेटर ओ पी वन ओ पी टू ओ पी थ्री ऐसे ऑपरेटर से छः प्रमोशन होते हैं उसके बाद सुपरवाइजर वर्ष एस वन एस टू एस थ्री ऐसे सुपरवाइजर के तीन प्रमोशन होते हैं पूना के जो लहराएंगे उनको मालूम रहेगा कि लगभग नौ दस प्रमोशन लेने के बाद वो आदमी एम वन बनता है तो उनको लगने लगा कि ये 22 साल का लड़का जो टाटा मोटर्स में लगा है इंजीनियर करके ये बड़ा साहब है तो लोग मेरे पास सातारह से लड़के लेके आने लगे ले कि साहब ये सातवीं पास है उसको जवाब दे दीजिए ये दसवीं पास है इसको जवाब दे दीजिए मैं सोचा मैं मैनेजमेंट में जाके एक दो हमारे मैनेजर साहब से पूछा वो बोले इनको कौन लेगा दसवीं फेल आदमी को कौन लेगा तो मैंने तब तक टाटा मोटर्स में भी अच्छा काम किया था ये एक आप सब लोगों को मेरी सलाह रहेगी कि जहाँ पे भी काम करते हो वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझ के काम कर दो दिल छोड़ दी जा, जा जान डाल के पूरा निछौर करके काम करो तो आपकी तरक्की में सब हेल्प करते हैं मैंने वैसे ही किया था टाटा मोटर्स में बहुत अलग से काम किया दिन रात मेहनत करके हमारा जो नॉन सेविंग नॉन मूविंग मटेरियल हुआ था जिसको स्क्रैप करके फेंकने वाले थे स्क्रैप करके फेंकते तो उनको चार पाँच लाख मिलता मैंने उसको सैल्डविच किया और टेलको का तब ढाई करोड़ रुपया बचाया था मैंने तो मेरा नाम बहुत अच्छा हुआ था टाटा मोटर्स में हमारे वाइस प्रेसिडेंट तब वायनाथ थे तो उन्होंने मेरे मुझे आके दी एक लेटर दे दिया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया तब मैंने और अपॉर्चुनिटी को कभी खो मत ये भी दूसरी तो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि टाटा मोटर्स के प्लांट हेड से इंटरेक्ट करने की तो मैंने उनको बोला कि साहब मेरे गांव से सात आठ लड़के हैं जो सातवीं पास है दसवीं फेल है उनके लिए कुछ काम दीजिए वो मेरे पास बहुत आशा से उम्मीद से आते हैं कि मैं उनके लिए कुछ करूँ तो बोले तुम तो अच्छा काम कर रहे हो कंपनी के लिए लेकिन एज ए एम्प्लॉय आई विल नॉट गिव इट टू यू तुमको कुछ काम नहीं दे सकता बिकॉज यू आर एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे पास कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है क्या जिसके लिए मैं काम दे सकता हूँ मैंने कहा सर मैंने कॉलेज में एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापना की थी भारत विकास प्रतिष्ठान वो सोसाइटी और ट्रस्ट में रजिस्टर्ड संस्था है तो उसको काम दीजिए तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान्य कर ली और 97 में बी भारत विकास प्रतिष्ठान को आठ लोगों का हाउसकीपिंग का काम मिल गया हमारे उमेश माने जो अभी वाइस चेयरमैन हैं मेरे गांव से ये रहमतपुर से बचपन से मैं जानता था थोड़ा दादागिरी करता था गुंडागर्दी करता था मैं बोला कि इसको ये काम संभालने के लिए ऐसे ही आदमी चाहिए जो ये थोड़ा सा ढंग से संभाल सके लोगों को काबू में ला रख सके और अच्छे से चला सके तो उमेश को मैंने बोला कि उमेश ये काम देखेगा तू तो उमेश ने हाँ कह दिया आज भी वो हमारे वाइस चेयरमैन है तो आठ लोगों से काम चालू किया हाउसकीपिंग काम से काम चालू किया फिर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का काम चालू किया फिर उन्होंने कहा गार्डन का काम करोगे हमने गार्डन का काम है कर दिया नाइनटी में आई गॉट मैरिड उसके बाद मैंने सोचा कि अभी इसको छोड़ के जो जॉब छोड़ के पूर्ण हंड्रेड परसेंट टाइम इसी बिजनेस में लगा देते हैं तो 2001 में मैंने टाटा मोटर उसका जॉब छोड़ दिया और फिर बाकी सब लोग ये ठेकेदार बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं सब एक ही जगह काम करने का सोचते हैं मैंने सोचा पूना के बाहर जाके काम करेंगे स्वामी जी के साथ मेरा और एक आदर्श है जो अपने जय जयकार के छत्रपति शिवाजी महाराज मैं उनका भी थोड़ा सा आदर्श लेता हूँ तो मैंने सोचा थोड़ा साउथ में जाके काम करेंगे फिर बी जी का 2001 में बेंगलोर में मैंने स्थापना की बेंगलोर में काम चालू किया जी पावर का हाउस का काम मिल गया पार्ले बिस्किट का काम मिल गया बेल पावर का काम मिल गया विधान सौदा का मिल गया बेंगलोर का, का विधान सौदा बहुत जाना माना है उसका काम मिल गया ऐसे बेंगलोर में अच्छा इस्टेब्लिशमेंट हो गया फिर मैंने चेन्नई में अपना ब्रांच खोला फिर हैदराबाद में ब्रांच खोला 2003 तक साउथ में सब जगह फैल गए थे मतलब तीनों शहर साउथ के पूना और यहाँ पे काम फैल गया था उसके बाद 2003 में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली पार्लियामेंट हाउस में एक बड़ी लाइब्रेरी छः लाख स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी और के श्रीनिवासन साहब वहाँ पे तब चीफ इंजीनियर थे तो उनको वो मेंटेनेंस करने के लिए किसी अच्छी कंपनी को देना था और जो ढंग से मेंटेन करे क्वालिटी ना डिटोरेट हो फ्लोर अच्छा रहे तो उन्होंने इक्विपमेंट सप्लायर वाले लोगों को बोला था कि मुझे ऐसी कंपनी दिखाइए कि जो अच्छे से काम करेगी तो उन्होंने कहा कि एक पूना की कंपनी है भारत विकास और तब सर्विसेज पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया था भारती का सर्विसज एक पूना की कंपनी है वो अच्छा काम करती है तो उन्होंने मुझे बुलाया दिल्ली में गया उनको मिलने के लिए उन्होंने कहा कि छः महीने के लिए काम दूंगा और अच्छा करोगे तब एक्सटेंड करूंगा नहीं तो बाहर फेंक दूंगा लेकिन 40-50 लाख के इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे और उसकी किस्त जो है उसकी ई जो है वो पाँच साल में निकालूंगा अगर तुमने ख़राब काम किया तो तेरे इक्विपमेंट तेरे गले में पड़ जाएंगे अच्छा करोगे तो मैं कंटिन्यू कर दूँगा वो रिस्क ले ली Osionfish. मुझे मालूम था कि हमारे जब साथी है जो बयू जी परिवार के कामगार है वर्कर है वो अच्छा काम करेंगे तो वो ले लिया काम छः महीने के ले लिया वो डेढ़ साल के लिए उन्होंने कंटिन्यू किया उसके बाद मेन पार्लियामेंट हाउस का काम मिल गया उसके बाद अच्छा किया वो तो उन्होंने पी के घर पर ट्रायल देने के लिए बोल दिया वहाँ पर भी अच्छा काम मिल गया वहाँ अच्छा किया तो उन्होंने पी के घर ऑफिस का काम दे दिया फिर राष्ट्रपति भवन दे दिया फिर हैदराबाद हाउस मिल गया फिर विज्ञान भवन मिल गया फिर दिल्ली हाईकोर्ट मिल गया फिर एम्स मिल गया सबरिंग हॉस्पिटल मिल गया दिल्ली में जितने भी प्राइम एस्टेब्लिशमेंट है आज की तारीख में सभी जगह बीवी के लोग काम करते हैं सातारा से महाराष्ट्र से लगभग पाँच सौ लड़के दिल्ली में काम करते और दिल्ली में ही सात हज़ार लोग हैं दिल्ली जब चालू की थी तो तीस लोगों से चालू की थी दो हज़ार में अभी दस साल में दिल्ली में ही सात लोग हो गए तो ऐसा सब काम मिल गया टाटा मोटर्स पूना में अच्छा काम चल रहा था उन्होंने कहा कि तुम जमशेदपुर जाके काम करोगे मैंने कहा सर करता हूँ तो जमशेदपुर में काम मिल गया उन्होंने कहा रुद्रपुर में हम नया प्लांट खोल रहे वहां पे हैं वहाँ पर काम करोगे हमने कहा करते वहाँ पर भी काम मिल गया फिर उन्होंने कहा कि सिंगूर में हमने प्लांट खोला है वेस्ट बंगाल में वहाँ पे भी एक अच्छा काम चालू कर दिया था फिर उसका शिफ्टिंग का भी यहीं पे काम हमने गुजरात में किया सिंगूर से हम साणा नदी के आए प्लांट को फीड प्लांट शिफ्टिंग का काम किया मुंबई से पूना ऐसे अलग अलग चीज़ों से काम बढ़ता गया फिर हुडाई का काम मिल गया फिर बोक्स का काम मिल गया फिर हिंदुस्तानी लीवर का काम मिल गया आईटीसी के हमारे पास प्लांट है, एबीबी के सत्रह है, प्राइवेट के सब मेजर सब कस्टमर्स हमारे कस्टमर्स है गवर्नमेंट के टॉप कस्टमर्स हमारे कस्टमर से अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल हमारे पास है गुजरात में भी यहाँ के मोदी साहब ने मुझे बोला कि काफ़ी सारे काम दे दिए ऐसे काम बढ़ता गया का शिरडी साहिब बाबा संस्थान भी हमारे पास है अभी कल ही मुझे मेरे लड़के ने बोला कि आया अहमदाबाद का भी काम मिल गया <laughs> तो <laughs> तिरुपति भी हमारे पास ही है तिरुपति का भी कांटेक्ट हमारे पास है शिरडी साहब बाबा का भी हमारे पास है बाकी, बाकी <laughs> सर बाकी और बहुत बढ़ना है चल रहा है महाराष्ट्र मंत्रालय है वर्षा बंगला है सीएम का हमारे काफ़ी जगह काम फैल गया है तमिलनाडु का सेक्रेटेट है चल रहा है भगवान की दया से कंपनी ग्रो हो रही है और अलग अलग चल रहा है तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब मेरा स्वानुभव है इनिशियली बहुत स्ट्रगल होता है बारह तेरह साल पहले पचास हज़ार रुपये की बैंक गारंटी देने के लिए बैंक बोलती थी कि पचास हजार रुपये बैंक में रखो तभी हम आपको बैंक गारंटी देंगे और आज हमारा टोटल कोलेटरल सिक्योरिटी है क्योंकि मेरे पिताजी अकेले थे उनके पिताजी अकेले थे हमारे पास कोई पुरखों की जायदाद नहीं है जो मैं कोलेटरल में दे सकता हूँ मैं बैंक को यही बोलता हूँ कि अगली पीढ़ियों में रहेगी मेरे पास नहीं है तो बैंक ने विश्वास करके वो मान लिया और आज लगभग आठ करोड़ रुपये का लोन बीस करोड़ की कोलाटल पे हमारे पास अवेलेबल है बोले बोले। उसमें महाराष्ट्र बैंक है उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है आई बैंक है क्योंकि मैंने उनको जो कमिटमेंट देता था, था मैं कि साहब मेरा पहले साल सर टेनोर आठ लाख रुपये का था दूसरे साल चालीस लाख का हुआ तीसरे साल सत्तर लाख का मैं बोलता था दो करोड़ होगा फिर चार करोड़ होगा तो दो करोड़ चार करोड़ के बीच में पचास लाख का लिमिट चाहिए था बैंक ऑफ महाराष्ट्र को तब चौथा साल चल रहा था हमारा तो मैंने बोला साहब अभी ये साल दो करोड़ टर्नोर हुआ अगले साल चार करोड़ होगा बोले चार साल में दो करोड़ पे आए एक साल में दो करोड़ कैसे बढ़ाओगे मैं सर करूंगा तो उन्होंने पचास लाख का लिमिट सैंक्शन किया चार करोड़ टर्नर करके दिखाया बोले अगले साल का टारगेट कितना है मैंने कहा सर आठ करोड़ का है बोले लास्ट ईयर किया था ये साल करके दिखाओ मैं करूंगा आठ करोड़ करके दिखाया फिर अगले साल कितना है तो मैंने कहा सर पंद्रह करोड़ का करने का कोशिश कर रहे हैं तो सोलह करोड़ करके दिखाया फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि सोलह करोड़ करने के लिए तो छः सात साल लगे आगे क्या प्लानिंग किया मैं सर तीस करोड़ का प्लानिंग कर रहा हूँ तीस इकतीस करोड़ करके दिखाया सब रिकॉर्ड अभी अवेलेबल है टाइम का करते हैं तो ये सब किया और उसके बाद उन्होंने कभी प्रश्न नहीं पूछा कि कितना करने वाला और कितना मिलने वाला है तो अगर आप कुछ बात करते हो और उसको निभाते हो तो सब लोग सपोर्ट करते हैं इनिशियली इंसर्ट बहुत होता है लोग जगह जगह पे अपना इंसर्ट करते हैं तो पेशेंस होना चाहिए एक कांच और हीरे का उदाहरण दूंगा कांच का ग्लास अगर फूट जाए और उसमें हीरा भी डाल दिया जाए तो फर्क नजर नहीं आएगा कि कांच कौन सी हीरा कौन सा है लोगों को अपने आप शुरू में सब लोग आपको कांच की तरह ही देखेंगे आपको इंसल्ट ही करेंगे अपने आप को प्रूव करने के दिखाना पड़ेगा कि हम हीरा है लोग हाथ में धारण दा, करेंगे और उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ये अपने आप को साबित करने के लिए दो चार साल लगते हैं दस साल लगते हैं और उसके बाद फिर सर पे लोग ले नाचते हैं ये करने के लिए थोड़ा मरना पड़ता है ऐसे आ, नहीं होता है मैं बीस बीस दिन घर से बाहर रहता था आ, फैमिली भी अच्छी है कभी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि कहाँ जाते हो क्या करते हो उनको मालूम है कि मैं अलग काम में जुटा हूँ तो उसमें कोई तकलीफ नहीं दी घर वालों ने कभी बड़ा सपना देखिए कुछ बड़ा सपना देखिए ज़िंदगी में कुछ अलग करने की सोच लीजिए खूब मेहनत करिए करने के लिए रोड मैप भी होना चाहिए अपने साथ कि मुझे क्या करना है उसका रोड मैप होना चाहिए उसके लिए टीम भी ढूंढ लीजिए अच्छी सी टीम होनी चाहिए क्योंकि अकेले आप कुछ नहीं कर सकते आपकी टीम होनी चाहिए टीम के साथ डेलीगेशन भी होना चाहिए कि अथॉरिटी दे दो रिस्पॉसिबिलिटी दे दो डेलीगेशन करो टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका टाइम कैसे इफेक्टिवली आप मैनेज करते हो आज सुबह मैं चार चा, पाँच बजे उठा सुबह फ्लाइट लेके अहमदाबाद अहमदाबाद से यहाँ रात में फिर नौ बजे की फ्लाइट है पूना जाने की क्योंकि टाइम का बहुत हिसाब रखना पड़ता है जैसे आप बढ़ते जाते हो तो टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और मैंने एक गलती की जो आप नहीं करिए कभी मैंने काम के प्रति इतना ध्यान दिया कि अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं दिया तो डायबिटीज चालू हो गया मतलब दिन दिन खाना नहीं पीना नहीं भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ आपको यंग एज में बोल रहा हूँ कि काम इंपॉर्टेंट है ही लेकिन उसके साथ साथ टाइम पे खाना पीना थोड़ा एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है कि बीमारी न लगे अपना हेल्थ अच्छा होना चाहिए डू नॉट कंपेयर यूर सेल्फ विथ एनी बड़ी थिंक दैट यू आर किंग ऑफ योर ओन किंगडम क्योंकि कंपेरिजन जिस दिन चालू हो जाएगा तो जिंदगी में अपनी डिरेलिंग चालू हो जाएगी क्योंकि वो इतना अच्छा है मैं छोटा हूँ वो बड़ा है उसके घर में ये घड़ी है उसके हाथ में ये पेन है अपने आप अपने जैसा किंग जैसा बर्ताव करो और चलते रहो क्योंकि आज भी मेरे साथ 20 साल पहले मेरे पास रुपया नहीं था, था जब 94 में इंजीनियरिंग किया था तब दस रुपये की नोट छुड़वाने के लिए छुट्टा करने के लिए मेरा दिल टूटता था कि दस रुपये की नोट छुट्टा करो तो क्या है आज बहुत कुछ है लेकिन कंपेयर मत करो क्योंकि आज भी ऐसे लोग हैं कई लोग हैं जिनको भूखे रहते हैं जिनको खाने के लिए नहीं मिलता है इसलिए कंपेयर मत करो लेकिन अपना काम अच्छे से दिल से करो और किसी जो भी काम करेंगे उसमें क्वालिटी का इंपॉर्टेंट ध्यान दे दो कि जो भी काम करेंगे वो हंड्रेड परसेंट क्वालिटी का हो अच्छा हो उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है अच्छा ट्रेनिंग ले लो उस तरह से काम करो कहीं पर भी अगर आप खुद का बिजनेस करेंगे तो उस तरह से काम करिए जॉब भी करे तो भी इसी तरह से करेगी कि मेरा खुद का काम है तो आपके प्रमोशन जल्दी हो जाएंगे आपको तरक्की जल्दी मिलेगी आप कर, जिस दिन समझेंगे ये दूसरे के लिए मैं कर रहा हूँ तो आपकी जिंदगी में तरक्की नहीं होगी कभी नहीं होगी मतलब कोई भी काम है मेरा अपना है ये करूंगा अच्छा करूंगा अपने लिए करूँगी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए करूँगा ये मेरा काम है इसी तरह से हमारी कंपनी बढ़ रही है और ये करेंगे तो अच्छा रहेगा सोशल इम्पैक्ट भी देखिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे सोशल लोगों को क्या लगेगा बीबीजी जी का हम आ, मैं स्वामी जी महाराष्ट्र में पंद्रह मंदिर का स्वच्छता का काम फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ हमारा पंडरपुर मंदिर है तुर्जापुर है जो कुलदेवत है महाराष्ट्र के वहाँ पे आ, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ उसके बाद लगभग ढाई सौ बच्चों को हमने स्कॉलरशिप दे दी है एंड जो लोग चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं कुछ अलग करने की चाह रखते हैं उनका मैं बीवी जी में स्वागत करने के लिए तैयार हूँ जो लोग आना चाहते हैं मुझे यहाँ पे बुलाया गया बात करने का मौका दिया इसलिए मैं स्वामी जी का आप सबका शुक्रगुजार हूँ एक चीज़ बताऊंगा जाते जाते कि कर्म ही धर्म है कर्म ही पूजा है आराम हराम है और कार्यांतर ही विश्राम है इस तरह से थोड़ा सा काम करेंगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे और सब यंग क्राउड दिख रहा है तो एज के हिसाब से जो अट्रैक्शन आते हैं उसके पीछे न भागे तो अच्छा रहेगा नहीं तो बाद में ढूंढते रह जाओगे ये सिचुएशन हो जाती है क्योंकि मैं जब कॉलेज में था मेरे साथ भी बच्चे मुझे बोलते थे अपने पास एक रुपया नहीं होता था तो अट्रैक्शन के प्रति देखने का टाइम ही नहीं मिलता था लेकिन जो तब भागते थे वो आज मुझे बोलते हैं कि तू कहाँ पहुँच गया हम कहाँ रह गए वो टाइम नहीं मिलता है तो एज के प्रति साथ साथ आने वाले अट्रैक्शन के प्रति ज़्यादा ध्यान न दे तो अच्छा रहेगा लाइफ में तरक्की होगी प्रगति होगी मैंने इसे कुछ गलत कहा तो मुझे माफ़ कर दीजिए थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लीजिए उसके लिए भी माफ़ कर दीजिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी वॉरियर